और भाई मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर के विकास के लिए योजनाएं बनाती है। अथॉरिटी के आयुक्त SVR श्रीनिवास से DD न्यूज़ ने खास बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मदद से मेट्रो, सुरंगों और जल आपूर्ति सहित विभिन्न नागरिक जो परियोजनाएं हैं वो पूरी हो रही हैं और ये वर्ष समर्पण का वर्ष है। मुंबईवासियों के लिए खास तोहफा मिलने वाला है। मुंबई के लिए खास तोहफे अगर देखा जाए तो मेट्रो ट्रेन की सौगात के लिए प्रधानमंत्री अपने दौरे के दरमियान मुंबई में मेट्रो 2A और मेट्रो 7 का लोकार्पण करेंगे। इस वक्त हमारे साथ MMRDA कमिश्नर है। सबसे पहली बात, काफ़ी सालों बाद मुंबई वासियों के लिए एक बार फिर से सेवा मेट्रो शामिल हो रही है। जी, तकरीबन जब 7-8 साल पहले जब मैं MMRDA में था तब लाइन 1 की हुई थी, हमने ट्रायल रन लिया था और इसी को जोड़ के हम लोग अभी 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथ कार्यक्रमों से हम लोग इसका उद्घाटन कराने वाले हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि ये पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क का काम अभी हो रहा है। पहले आइसोलेटेड एक लाइन था और फेज़ 1 का वो भी आइसोलेटेड थे और ये एक लाइन से दूसरा लाइन का जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी टोटल मेट्रो नेटवर्क 2A, 7 और 3 लाइन नंबर 1 तीनों मिलके एक नेटवर्क तैयार हो रहा है और उसका रिजल्ट पब्लिक को, आम जनता को ये मिलने वाला है कि नॉर्थ साउथ प्रवास होने वाला है, सफ़र हो सकता है और ईस्ट वेस्ट का भी सफ़र होने वाला है। जैसा कि वर्षों अंधेरी इस घटकों पर थे, लाइन को हम लोग दहीसर अंधेरी दहीसर और गुंडावली हम लोग जोड़ रहे हैं। सो दहीसर से लेके घटकों पर आदमी जा सकता है और दहीसर से लेके DA नगर जा सकता है और दहीसर से लेके वर्षों भी जा सकता है। सो ये जो है ना पहला बार हो रहा है, ये इनका खासियत है। कैमरन कपिल के साथ शीर्ष शिलार DD न्यूज़ मुंबई।